हाय दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे अमेजॉन प्राइम वीडियोस पर रिलीज हुई एक नई मूवी जिसका नाम है पेंगुइन। ये मूवी की ओवरऑल लेंथ है 2 घंटा 12 मिनट और ये आपको तमिल, तेलुगु और मलयालम इन तीनों ही लैंग्वेज में देखने को मिल जाएगी विथ इंग्लिश सबटाइटल। इस मूवी में हमें नजर आती कीर्ति सुरेश लिंगा और मास्टर एडवर्ड। कहानी शुरू होती कीर्ति सुरेश से जिसका इस मूवी में नाम है रिदम, जो कि एक प्रेग्नेंट लेडी का यहाँ पर रोल प्ले करते हुए नजर आ रही है। लेकिन 6 साल पहले उनका एक बेटा भी था जिसका नाम है अजय, जो कि मिस्टीरियस तरीके से गायब हो चुका था, जिसका आज तक पता नहीं लगा है। और इसी वजह से रिदम अपने पहले हस्बैंड रघु से भी अलग हो चुकी है, लेकिन अब फाइनली वो रह रही है अपने दूसरे हस्बैंड गौतम के साथ। लेकिन इसके बाद कहानी में क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स आता है वो मैं आपको यहाँ पर रिवील नहीं करूंगा, क्योंकि अगर मैं सब कुछ बता दूंगा तो फिर वो इस फिल्म को देखने जो मजा है वो मजा आपको नहीं मिलेगा। चलिए बात करते हैं इस मूवी की कुछ अच्छी और कुछ बुरी बातों के बारे में। तो सबसे पहले इस मूवी के कॉन्सेप्ट मुझे पर्सनली अच्छा लगा, और जब इसका ट्रेलर रिलीज हुआ था तो काफी लोग इसको रस्सासन और साइको इन दोनों फिल्म से कंपेयर कर रहे थे। लेकिन जब आप लोग इस फिल्म को देखोगे तो आपको फिर भी रस्सासन और साइको ये दोनों फिर भी बेटर लगेगी इस मूवी से। वो क्यों मैं आपको इस वीडियो में बताता हूं, और जब आप लोग इस फिल्म को भी देखोगे तो आप लोग खुद समझ जाओगे। खैर, उसके अलावा इस फिल्म की स्टार्टिंग के 20 मिनट है ना, वो इतने ज्यादा खतरनाक है कि आप लोग इस मूवी को देखोगे तो आप लोग एक्सपेक्ट ही नहीं करोगे कि ये कोई साउथ की मूवी है। आपको ऐसे लगेगा आप कोई हॉलीवुड की फिल्म देख रहे हो। और इस चीज को परफेक्ट बनाने में हेल्प किया इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी ने, यानी कि लोकेशंस इतने बढ़िया है और उसको जो शूट किया है अलग अलग कैमरा एंगल से, ड्रोन कैमरा से, और जिस तरह से लाइटिंग इफेक्ट इसमें डाले गए और VFX का यूज किया, मतलब वो एक नॉर्मल से सीन को भी एक नेक्स्ट लेवल का बनाता है। और पूरी फिल्म मैं बोलूंगा बहुत ही बेहतरीन तरीके से शूट की गई है। इस फिल्म में अगर मैं कैरेक्टर्स की बात करूं तो यार यहाँ पर आपको ज्यादा कैरेक्टर्स देखने नहीं मिलेंगे, सिर्फ कीर्ति सूरज जिसने यहाँ पर रोल प्ले किया रिदम का, उन्हीं के कंधे पर यह पूरी फिल्म चलती है और उन्होंने काम बहुत ही अच्छी तरह से किया। लेकिन कहीं कहीं पर उनको भी देखकर आपको ऐसा लगता है कि ये जरूरत से ज्यादा कुछ ओवर चीजें करें, क्योंकि एज अ प्रेग्नेंट लेडी वो ऐसी सब चीजें यहाँ पर हमें करते हुए नजर आती है जो मोस्टली लोग करते हैं नहीं। और शॉकिंग बात यह है कि यहाँ पर एक्टर्स भी है, जैसे कि लिंगा और दूसरा भी एक्टर है, तो उनका रोल यहाँ पर बहुत ही नाम के लिए, मतलब जो भी खतरनाक सीन है वहां पर आपको वो मेल एक्टर्स देखने नहीं मिलेगी, वहां पर आपको ये फीमेल एक्टर्स देखने मिलेगी जो कि प्रेग्नेंट होने के बावजूद भी सारे खतरों का सामना अकेले कर रही, जो कि मुझे पर्सनली हजम नहीं हो रहा था। लेकिन हम लोग इस बात को नजरअंदाज कर सकते हैं। उसके अलावा इस मूवी में जो एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी वो है इसका फर्स्ट हाफ को ये लोग ने बहुत ही ग्रिपिंग वे में बनाया, और फर्स्ट हाफ देखकर आप लोग डेफिनेटली ये महसूस कर सकते हो कि यार सेकेंड हाफ में हमें बहुत कुछ और भी देखने मिलेगा। लेकिन सेकेंड हाफ आते आते पूरी फिल्म डल हो जाती है, यानी कि जहां पर हमें एक थ्रिलर मूवी नजर आई थी तो वहीं पे सेकेंड हाफ में ये एक रिवेंज ड्रामा बन जाती है, जब आपको बहुत ही डिसअपॉइंट करती है। और स्पेशली जो सेकेंड हाफ में जो ट्विस्ट एंड टर्न्स और जो भी शॉकिंग मूवमेंट है वो इतना ज्यादा आपको शॉक भी नहीं करेंगे, आप मतलब केयर भी नहीं करोगे, मतलब इतना सेकेंड हाफ मुझे पर्सनली डर लगा। लेकिन फिर भी ओवरऑल अगर मैं इस मूवी को बोलूं तो यस, बहुत ही अच्छी कोशिश है, क्योंकि विजुअली इस फिल्म को देखेंगे तो आपको डर महसूस होगा, लेकिन अगर आप स्क्रिप्ट वाइज देखोगे, कहानी वाइज देखोगे तो आपको वो फील नहीं होगा जो आपका रस्सासन और साइको जैसी फिल्म में फील हुआ था। तो उसके अलावा अगर इस मूवी के BGM की बात करो तो BGM मुझे बहुत अच्छा लगा था, कई कई जगह पे काफी लाउड था, लेकिन पूरे ओवरऑल अगर फिल्म की बात करें तो BGM भी काफी खतरनाक है, जो कि आपको गूज़बम्प्स देता है, इतना तो गारंटीड है। तो फाइनली सिर्फ दो ही चीजें जो इस फिल्म को देखने लायक बनाते वो है इसके विजुअल्स और दूसरा इसका BGM। ओवरऑल मेरे हिसाब से इस फिल्म को मैं रेटिंग दूंगा 5 out of 2.5। तो मुझे ये ओके मूवी लगी, ना ही मुझे खराब लगी, ना ही मुझे बहुत बेटर लगी। तो अगर आपको ये मूवी देखना तो आप लोग देख सकते हो। इस मूवी में आपको कुछ ऐसे डरावने सीन देखने को मिल जाएंगे, बाकी ऐसे कुछ भी एडल्ट सीन इस मूवी में हमें नजर आया नहीं, जो कि आप लोग अपनी फैमिली के साथ बैठ के नहीं देख सकते। तो अगर आपको तमिल, तेलुगु और मलयालम ये तीनों ही लैंग्वेज आती है तो इस फिल्म को जरूर देखना, अदरवाइज आपको विद इंग्लिश सबटाइटल देखना तो भी देख सकते हो। तो बस इस वीडियो में इतना, अगर रिव्यू पसंद आते वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, तो साथ ही बेल आइकन उसे भी कर देना प्रेस। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।